हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A78 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A78 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे फ़ोन को इरेज और डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन को इरेज और डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं ओप्पो A78 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको सिस्टम सेटिंग्स है वो मिल जाएगी। जहाँ से रीसेट ऑप्शंस आ जाता है, तो रीसेट ऑप्शंस पे जाकर आप फ़ोन को इरेज और डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस पे जाकर जो भी ऑल डाटा को इरेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, गूगल अकाउंट एंड सिस्टम सेटिंग्स या फिर डाउनलोड म्यूजिक वीडियो फोटो अदर्स हैं, इन सबको आप रीसेट कर सकते हैं बस इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करके। पासवर्ड डाल देना है और इस पर टिक करते ही आपकी जो भी ऑल सेटिंग्स है आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी ऑल सिस्टम सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कर सकते हैं ओप्पो A78 5G फ़ोन में, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन में रीसेट का, आपको क्लिक करना होगा सिस्टम सेटिंग्स में। सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर भी आप डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को यहाँ से इरेज और डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। इस पे टैप करते जो भी और डाटा आप इरेज करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, और डाटा को इरेज करते ही आप फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।